वन लाइन सुन लीजिए मिलन 24 के बारे में। मिलन 24 ये एक्साइज है, कई देश शामिल होंगे इसके अंदर, तीन चार पॉइंट सुना रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। मिलन 24 क्या हुआ दोस्त, कुछ आग तो लग रही ना, मतलब देखते हैं अब लोग तक तो आग लगी गई है, ध्यान रखना पड़ता है। ओके मिलन 24 सुन लीजिए, ये एक मल्टीनेशनल एक्साइज का, आपने कई देशों का एक्साइज है, ज्वाइंट एक्साइज है कई देशों की, ये तो संयुक्त सेना अभ्यास है, संयुक्त नौसेना अभ्यास है, ये ज्वाइंट नेवल एक्साइज है, हर साल आयोजित करता है भारत, हर दो साल में आयोजित होती है भारत में, ये एवरी टू ईयर्स आयोजित होती है, तो 22 में हुई थी, 24 में होगी, अगले साल होगी फरवरी में होगी अगले साल, तो फरवरी 24 में इसका आयोजन किया जाएगा, इसका नाम रखा गया मिलन 24, हर दो साल में एक बार होती है। इसमें हमारे कौन से देश शामिल होते हैं, हिंद महासागर के और प्रशांत महासागर के पड़ोसी हमारे, तो इसमें इंडो पैसिफिक देश शामिल होते हैं, हिंद और प्रशांत देश की नौसेनाएं शामिल होती हैं। पिछली बार जब 2022 में हुआ था कोरोना काल में ये, तब भी हमारे यहाँ 30 देश आए थे लगभग, उम्मीद कर रहे हैं सर 50 से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, तो बड़ी एक्साइज होती है ये, उम्मीद करेंगे 50 से ज़्यादा देश उम्मीद कर रहे हैं इस बार आएंगे इसके अंदर, 50 देशों की नेवी इसके अंदर आएंगी हमारे यहाँ पर। अल्टीमेट गोल क्या होगा इतने देशों के साथ लाने का, मिलिट्री एक्साइज नहीं है कोई ना, एक प्रकार से एक्साइज है आपदा प्रबंधन के लिए, सहयोग को बढ़ावा देंगे, नेवी सहयोग कर सके एक दूसरे के साथ, वो सारा काम होगा इसमें। कुल के डिजास्टर मैनेजमेंट की दिशा में काम करना हो, सर्च एंड रेस्क्यू में कुछ काम करना हो, या सहयोग करना हो, तीन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं आपके लिए, आपदा प्रबंधन, आपदा सर्च एंड रेस्क्यू, खोज बचाव कार्य, खोज और बचाव कार्य, और तीसरा है सहयोग करना हो नेवी स्तर पर, तो आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव कार्य, सर्च एंड रेस्क्यू और सहयोग करना हो नेवी के बीच में, इसलिए इसको आयोजित किया जा रहा है। ये तो कुछ फैक्ट होगा इसके बारे में, कहाँ होगा, हर साल होता है विशाखापट्टनम के तट पर, ये वहीं होता है हमारे बंगाली खाड़ी में होता है ये, तो इस बार वहीं होगा वाइजैग तट पर, विशाखापट्टनम के तट पर इसका आयोजन किया जाएगा, वाइजैग यानी विशाखापट्टनम के तट पर इसका आयोजन होगा। ये तो कोई बात है फैक्ट्स, क्यों किया जा रहा है, अब मतलब ये तो ठीक है जो बताया गया है, क्यों किया जा रहा है, इसमें समझिए कौन से देश आएंगे, मुख्यतः देश आएंगे जो अफ्रीका के हैं, एशिया के हैं या प्रशांत महासागर के हैं। तो भारत सरकार की दो बड़ी रणनीतियां समुद्रों को लेकर सुना होगा आपने, IR में टॉपिक आता है, भारत सरकार की समुद्रों में दो रणनीतियां कौन कौन सी हैं, सागर सुना है, सागर क्या है, जो हिंद महासागर है, ये जो हिंद पूरा हिंद महासागर है, इसके जो देश है इसमें सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए समृद्धि की अवधारणा है, तो यहां पर सागर बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए समृद्धि, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पर कि सब साथ में आओ, सुरक्षा रहेगी, समृद्धि करेंगे, ग्रोथ करेंगे और सिक्योर रहेंगे, तो ये हमारे एक रणनीति किसके लिए, हिंद महासागर के लिए। ऐसी एक रणनीति और हमारे पास IPOI, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत समुद्री पहल ओशियन इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव हिंद प्रशांत समुद्री पहल इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये 2015 में आई थी सागर रणनीति हमारी, और ये 2020 में आई थी IPOI, 19 में घोषित थी, 20 से लागू हो गई हमारे यहाँ। इसमें नाम से स्पष्ट कौन से देश आएंगे, इंडो पैसिफिक, लेकिन हिंद महासागर के नहीं है ये, हिंद और प्रशांत दोनों के लिए है, यानी इसका दायरा कहीं और बड़ा है अपने आप में, वहाँ पर कोरिया भी आ जाए, जापान भी आ जाए, वो प्रशांत महासागर देश भी आ जाए, आशियान भी आ जाए, और यहाँ पर हिंद महासागर अफ्रीका आ जाए, खाड़ी देश आ जाए, या मालदीव आ जाए, सब आ जाए हमारे यहाँ पर, इनका टारगेट है। इन दोनों की नौसेनाओं को आयोजित बुलाया जा रहा है अपने इस मिलन एक्साइज में, तो मिलन का उद्देश्य केवल ये नहीं है यहाँ पर कि सहयोग करना है, वो कुल मिला के इन दोनों रणनीतियों को इम्प्लीमेंट करना भी है। काम की बात सुन लीजिए, काम की बात क्या है यहाँ पर हमारे पास, सागर केवल बात करता है, हिंद महासागर की बात करता है ये, लेकिन जो ये लक्ष्य है ना सातों, इसके अंदर सात काम करने हैं हमको। IPOI 7 पिलर पर बेस्ड है, भारत सरकार का इनिशिएटिव है, 7 पिलर पर बेस्ड है IPOI, वो पिलर कौन कौन से सुन लीजिए आराम से, तो IPOI बेस्ड ऑन 7 पिलर्स, कौन कौन से पिलर है वो, पहला ही पिलर उसमें क्या है, सिक्योरिटी, सुरक्षा को बढ़ावा देना, सागर में सिक्योरिटी पहले है और IPOI में सिक्योरिटी पहले है, ठीक है, सुरक्षा है इसके अंदर, इसके अंदर यहाँ की इकोलॉजी को बचाना, परितंत्र को बचाना, हिंद महासागर प्रशांत महासागर के जो संसाधन है समुद्रों में,
तेल गैस खनिज भरा पड़ा उनको यूज करना, क्षमता निर्माण करना, यहाँ पर जानकारी को साझा करना, क्षमता निर्माण करना, नाविक तैयार हो, सेलर तैयार हो, नौसेनाएं तैयार हो, आपदा जोखिम यहाँ भी है, साइंस टेक्नोलॉजी में सहयोग करना और परिवहन को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना। तो व्यापार भी हो गया, ग्रोथ भी आ गई इसके अंदर और सुरक्षा भी आ गई। तो जो सागर रणनीति थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, वो दोनों इसके अंदर है कहीं ना कहीं, वो तो है ही है, साथ में कुछ और पॉइंट जोड़ दिए उन्होंने यहाँ पर। इसमें एनवायरमेंट भी आ गया, इसके अंदर सुरक्षा भी आ गई, संसाधन भी आ गया, इसके अंदर आपदा प्रबंधन भी आ गया, सब कुछ आ गया आपका यहाँ पर। तो ये IPOI, ये ज़्यादा बड़ा इनिशिएटिव है अपने आप में IPOI, इसके अंदर 7 चीज़ों को जोड़ा गया, 7 प्लस के अंदर जोड़ा गया है, कई देश शामिल हो रहे हैं इसमें साथ हमारे यहाँ पर, हो पाएगा हम याद कर पाएंगे हम लोग। तो ये भारत सरकार का नया प्रयास है IPOI और सागर, इसके तहत आयोजन किया जा रहा है इस मिलन एक्सरसाइज का। आईआर में काम आएगा टॉपिक आपके लिए, मांगे बढ़ू यहाँ से। IPOI याद कर लेंगे हम लोग, IPOI और सागर याद रखिए, दोनों शब्द काम के रहेंगे आपके लिए।